वन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं धीरेन्द्र गिरी गोस्वामी। चुनावी यात्रा पर हम निकले हैं, तमाम विधानसभाओं में जा रहे हैं। इस वक्त हम विकास उपाध्याय से बात करेंगे जो रायपुर पश्चिम के विधायक हैं, छत्तीसगढ़ सरकार के संसदीय सचिव हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं और बेहद युवा नेता हैं। लोगों के बीच इनकी एक अलग छवि है। विकास जी, ये जो भीड़ दिख रही है आपके समर्थन में इस बार, क्योंकि जब आप लोग पहले गए वोट मांगने के लिए आपको सरकार में आना था, अब 5 साल अपने कामों के आधार पे जा रहे हैं, कितना फर्क देख रहे हैं? देखिए, जनता पूरी चीज जनता के विश्वास की है। जो जनता पर भरोसा कायम कर लेगा वो ही वापिस रिपीट होकर आएगा। 5 साल में भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार ने जो जनहित पर काम किया है, जो लोगों के उसके महीने बजट में उसको राहत दिलाने के काम की है, मैं समझता हूँ वही भरोसा कांग्रेस पार्टी ने कायम किया है। और उसी के बल पर देखिए कितना प्यार कि महिलाएं आई हैं, भाई लोग आए हैं, युवा साथी आए हैं, परिवार के बुजुर्ग साथी आए हैं, सब हम लोग घर घर जाके डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। और शगुन के तौर पर 1 रुपया आशीर्वाद स्वरूप एक एक घर से लोग हमारे को खुशी खुशी दे रहे हैं। देखिए कितनी मेहनत से ये लोग, कितने सम्मान के साथ ये सब हमारे साथी, क्योंकि कांग्रेस की योजनाओं ने हर आदमी को फायदा पहुँचाया है। एक एक रुपए वाला ये कॉन्सेप्ट मतलब क्या, मतलब पूरा बीजेपी कांग्रेस के कैंपेन में है कि आपके क्षेत्र से ही ये चीजें निकल के आ रही हैं? देखिए कॉन्सेप्ट नहीं है ये। देखिए आप हमारी परंपराओं को अगर समझते हैं, संस्कार को जानते हैं, घर में कभी परीक्षाएं होती थी और किसी का बर्थडे होता था, शादी की सालगिरह होती थी, तो अपने परिवार के लोगों से मिलते थे, अपने बड़ों का चरण स्पर्श करते थे और छोटों को हाथ मिलाते थे। उससे वो लोग शगुन के तौर पर आपको कुछ ना कुछ देते थे, एक रसम होती है, नेंग होता है। उसी हिसाब से पूरे विधानसभा में जनवंदन परिक्रमा के माध्यम से इस पूरे विधानसभा की परिक्रमा कर रहा हूँ, पैदल पैदल चल के लोगों के घर जा रहा हूँ और लोग खुशी खुशी 1 रुपया शगुन का और नेंग का पैसा मुझको दे रहे हैं। विकास जी, जब आप पिछले बार चुनाव जीते थे तो एक आपकी एक युवा छवि थी, एक 15 साल के दिग्गज कैबिनेट मंत्री को आपने हराया था। इस बार तो आपके पास अनुभव भी है, 5 साल के विधायक हैं, कुछ अंतर अपने राजनीतिक करियर में भी देखते हैं? देखिए अंतर क्या है, विधायक बनने के बाद आपके ऊपर जिम्मेदारी जवाबदारी आती है और उसको निर्वाह करना सबसे पहली प्राथमिकता होती है। आपके परिवार है पूरा विधानसभा क्षेत्र, जिन्होंने आप पर विश्वास करके आपको मत दिया था, वोट दिया था, और उन्हीं के साथ अब हम इस काम को कर रहे हैं। अच्छा, बीजेपी के सामने कैसी, क्योंकि उनके भी घोषणा पत्र में किसानों की बातें की गई हैं, सिलेंडर वो भी दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र उनके लोकसभा चुनाव के जैसा था, 15-15 लाख रुपया सबके अकाउंट में आएगा, काला धन आएगा। ना काला धन आया, ना 15-15 लाख रुपया आया, ना 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार करने की बात कही गई। कांग्रेस पार्टी ने तो पिछले 5 साल में अपने घोषणा पत्र को काम करके दिखाया। जितनी भी घोषणाएं हम लोगों ने की है वो हमारे पिछले विधानसभा के चुनाव के जो घोषणा पत्र है उससे संबंधित है, या उससे बढ़ा कर दी है, या उसको और बड़ा कर विस्तार करने के लिए हमारी घोषणाएं हैं। और हमारी घोषणाओं को नकल मारने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, लेकिन मैं समझता हूँ कांग्रेस को लोगों ने देख लिया कि कांग्रेस पार्टी जो घोषणा करती है वो पूरा करती है। हमने रसोई गैस पर 500 रुपया सब्सिडी हर परिवार को दिया है, छांट के नहीं, देख कर नहीं, हर परिवार को 500 रुपये की सब्सिडी गैस सिलेंडर पर मिलेगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे अस्पताल, हमारे क्लिनिक, मोबाइल एम्बुलेंस क्लिनिक, उसके साथ शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी आत्मानंद स्कूल योजना के माध्यम से जितनी भी सरकारी स्कूल है सबको अपग्रेड किया जाएगा। ये अपने आप में बड़ी चीज़ है। 25,000 लोगों को रायपुर राजधानी में पट्टा दे दिया और जो लोग बचे उनको पट्टा देने की सरकार की अपनी महत्वाकांक्षा है, तो ये वो चीज़ है, लोगों को घर में फायदा। विधायक के तौर पर अब जा रहे हैं तो लोग कुछ डिमांड कर रहे हैं? देखिए जनता है, आप अपने परिवार में बैठकर बात करेंगे तो भी कोई डिमांड होगी। जब आप परिवार में जाते हैं, लोगों के पास जाते हैं, तो ये हिंदुस्तान है, यही प्यार, सम्मान, अपनापन, ये आपको देखने को मिलेगा। आइए हमारे साथ। विकास जी, एक आखिरी सवाल पूछ लेता हूँ, क्योंकि आप सरकार में संसदीय सचिव हैं, गृह विभाग और अन्य विभाग आपके पास हैं, छत्तीसगढ़ की जो नक्सल समस्या देखी है वो आपने इन 5 सालों में क्या पाया? देखिए छत्तीसगढ़ की नक्सल समस्या को आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी ने उस क्षेत्र का विकास से काम जोड़ दिया। जिस प्रकार से नक्सल समस्या कम हुई, जिस प्रकार से नक्सल गतिविधियां बढ़ी और जो नक्सल गतिविधियों में लिप्त लोग थे, धीरे धीरे जो सीधे साधे लोग थे, जो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं थे लेकिन उनके बहकावे में आते, तो सीधी सीधी मुख्य धारा से जुड़ने का काम उन लोगों ने किया है। क्योंकि वहाँ विकास की गंगा, शिक्षा, स्वास्थ्य से लेके अलग अलग क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी ने बहुत काम किया, उसका फायदा हम लोगों को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी। तो देखिए विकास उपाध्याय, इनके बारे में हमने शुरुआत में भी थोड़ी बहुत आपको बातें बताई थी, एक बार फिर मैं इसे रिपीट करूं, ये छत्तीसगढ़ सरकार में
गृह विभाग में संसदीय सचिव है, यानी कि गृह मामलों का जो मंत्री होता है उनके साथ ये उनके अधीन काम करते हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग के भी संसदीय सचिव हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं, तो इस लिहाज से कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता भी हैं ये। अब रायपुर पश्चिम विधानसभा में इनकी दावेदारी जो है, पिछले चुनाव में इन्होंने राजेश मूणत जो कैबिनेट मंत्री रहे हैं रमन सरकार के, उनको हराया था। इस बार ये जिस प्रकार से अपने चुनाव प्रचार अभियान में निकले हैं, एक कांग्रेस का जो लक्ष्य है वो उसका एक हिस्सा है और अपनी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि रायपुर में जब दूसरे चरण का मतदान होगा 17 नवंबर को, तब जनता किसके लिए वोट करती है, क्या सोच कर वोट करती है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस ने दोनों ने ही बेहद ही लुभावने घोषणा पत्र जारी किए हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइएगा। वन इंडिया का यह डिजिटल प्लेटफॉर्म आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए।